तात्सुया का जन्म योत्सुबा परिवार में हुआ, जो कि जापान का एक समृद्ध परिवार था। ये परिवार चाहता था कि सबके पास जादुई शक्तियाँ हों, और तात्सुया के साथ ये किया जा रहा था तो उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका पूरा फोकस सिर्फ तात्सुया को एक सुपर ह्यूमन बनाना था। जब वो पैदा हुआ तो सबको पता चला कि वो जादू नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके परिवार ने उसे बहुत खोसा और फैमिली से बेदखल कर दिया। वो रोया चिल्लाया लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, यहाँ तक कि उसकी सगी मॉम भी उससे छुटकारा पाना चाहती थी जिससे कि उनकी फैमिली का नाम खराब ना हो। उसकी मॉम ने उसे अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बना दिया, और उस दिन के बाद तात्सुया कभी नहीं रोया क्योंकि उसके मन में इतना दर्द भरा था कि वो अपने इमोशंस भी भूल चुका था। जब वो अपने घर आते हैं तो अनोमी उसका स्वागत करती है, जो घर की मेड है। उसकी बहन तात्सुया से ही अपना सारा सामान उठवाती है। जब मियुकी अपनी मॉम से बाहर जाने की परमिशन मांगती है तो वो तात्सुया के साथ में ले जाने को कहती है। मियुकी जहाँ भी जाती है तात्सुया उससे कुछ कदम का डिस्टेंस रखता है क्योंकि मियुकी ने हमेशा उसे नौकर की तरह देखा था। जब मियुकी कुछ लोगों से टकराने वाली होती है तो तात्सुया उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग उसे जानबूझकर टक्कर मार देते हैं। वो तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स जब गंभीर तरीके से उनकी तरफ बढ़ते हैं तो तात्सुया मियुकी की हेल्प के लिए आगे आता है और प्यार से उन ऑफिसर्स को जाने के लिए कहता है, लेकिन उनकी तरफ देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पीछे हटने के मूड में थे। तभी उनमें से एक तात्सुया को पंच मार देता है, लेकिन तात्सुया उसे रोक लेता है। मियुकी को लगता है कि उसने जादू का इस्तेमाल किया। तात्सुया उन्हें एक वार्निंग देता है, लेकिन उसके दोबारा हमले करने पर तात्सुया उन्हें अच्छा मजा चखाता है और मियुकी को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में मियुकी सोचती कि तात्सुया के पास ये स्किल कहाँ से आई। फिर वो दोनों विला वापस आ जाते हैं। जब मियुकी सारी बात हिनामी को बताती तो हिनामी तात्सुया की तारीफ करती है, लेकिन तात्सुया की ड्यूटी पूरी हो चुकी थी इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं मियाँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मियुकी उनकी लीडर की पार्टी में जा रही है। मियुकी थोड़ा परेशान दिख रही थी इसलिए हिनामी उसे चीयर अप करती है जिससे उसकी इमेज पर असर ना पड़े। हिनामी को तात्सुया के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसे जादुई शक्तियाँ ना होने के कारण बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ता है। जब वो दोनों पार्टी में एंटर करते तो मियुकी मित्सुको को बधाई देती है क्योंकि उसे उसके कजन से मिलाता है। बॉडीगार्ड के होने के नाते तात्सुया अपनी पोजीशन ले लेता है। जब मियुकी के कजन तात्सुया से मिलने जाते हैं तो मियुकी उसके चेहरे पर एक स्माइल नोटिस करती है जिससे वो थोड़ा जेलस फील करती है। तभी मित्सुको तात्सुया को उन बच्चों की शरारतों से बचाने आ जाता है, लेकिन असल में वो अपने बच्चों को तात्सुया से दूर रखना चाहता था जिसे मियुकी नोटिस कर लेती है। वो सभी तात्सुया को प्रोटेक्ट करने वाला खिलौना समझते हैं। मियुकी सोचती कि तात्सुया ने ना तो उसे कभी बहन की तरह ट्रीट किया है और ना ही कभी उसकी फिकर की है, वो बस अपनी ड्यूटी करता है। तात्सुया सिचुएशन को हल्का करने के लिए कहता है कि उसका राउंड लगाने के टाइम हो चुका है। अगले दिन फैमिली मेंबर्स एक यॉट पर टाइम बिताने का फैसला करते हैं। जब कोई उन्हें स्विमिंग का सुझाव देता है तो उसकी मॉम कहती है कि उसे पैसों में तैरने की आदत है, पानी में नहीं, जिसके बाद सब पिक्चर्स लेने लगते हैं। और जाहिर है कि तात्सुया अपनी मॉम की परमिशन के बिना उनका साथ नहीं दे सकता था। फाइनली वो राजी हो जाती है और मियुकी के चेहरे पर एक स्माइल आती है। और जब वो फोटो ले रहे होते हैं तभी उनकी यॉट पर एक सबमरीन टकरा जाती है। मियुकी और होनामी अपने कार्ड निकालते हैं जो उनकी जादू करने में मदद करता है। मियुकी देखती है कि तात्सुया के हाथ बिल्कुल खाली है। इसे देखकर मियुकी उसे यूजलेस समझती है। अचानक उनकी नजर दो टॉरपेडो की परछाई पर पड़ती है। इसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उनमें से किसी का भी जादू उनका मुकाबला करने के लायक नहीं था। तभी तात्सुया अपनी उंगली उनकी तरफ करता है और एक स्पेल बोलकर उन्हें डिसमेंटल कर देता है। मियुकी को समझ नहीं आता कि उसने ये कैसे किया। वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि तात्सुया ने एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कुछ सेकंड्स में ही कर दिया। वो सोच में पड़ जाती है उसका बड़ा भाई सच में इतना शक्तिशाली है। उस शाम विला में कजामा आता है जो पास की मिलिट्री का कैप्टन है। सभी जब उसे विदा करने आते हैं तो उन्हें बाहर एक वही ऑफिसर मिलता है जिस पर तात्सुया ने हमला किया था। जब कजामा को ये पता चलता है तो वो ऑफिसर से माफी मांगने के लिए कहता है। तात्सुया मियुकी के कहने पर उसे माफ कर देता है। जाते हुए कजामा तात्सुया को यूनिट बेस में इनवाइट करता है। अगले दिन तात्सुया की मॉम एक वार्म स्पेशल पार्टी रखती है और उसे यूनिट बेस जाने का ऑर्डर देती है। तो मियुकी भी उसके साथ जाने की बात करती है ताकि वो अपने बॉडीगार्ड की स्किल को अच्छे से समझ सके। उसकी मॉम राजी तो हो जाती है, लेकिन उन दोनों को पब्लिक में भाई बहन का बिहेव करने को कहती है और तात्सुया को मियुकी का नाम लेकर बुलाने को कहती है। बेस पर सनाडा नाम का एक आदमी उनका वेलकम करता है और ट्रेनिंग जोन की तरफ ले जाता है।
जहाँ पर सब बेसिक मैजिक कर रहे हैं, वो भी कजामा की निगरानी में। जब कजामा तत्सुया को देखता है तो उसे भी इनवाइट करता है। तत्सुया का पहला अपोनेंट एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है। मैच शुरू होते ही वो बॉक्सर उस पे पंचेस की बारिश कर देता है, लेकिन तत्सुया बड़ी आराम से उन्हें डॉज करता है और एक स्ट्राइक में ही उस बॉक्सर को चित कर देता है। फिर वो एक ब्लैक बेल्ट से लड़ता है, लेकिन तत्सुया की स्किल्स को देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। आखिर में तत्सुया अपना अपोनेंट को फ्लोर पर पटक देता है। एक छोटे बच्चे को अपने सोल्जर्स को हराते देखकर कजामा को थोड़ी शर्म महसूस होती है, जिसके बाद वो तत्सुया को एक आखिरी बार चैलेंज करता है। जोसेफ, जिसे तत्सुया ने सबसे पहले पीटा था, वहाँ आकर उसे मुकाबला करने का एक मौका मांगता है, जिस पर तत्सुया भी तैयार हो जाता है, लेकिन मियुको को थोड़ी उसे चिंता होने लगती है। इस मैच में सोल्जर्स को जीतने के लिए मैजिक का यूज करना ही पड़ेगा। मियुकी को इस बात पर ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन तत्सुया कहता है कि जादू करना एक जादूगर का अधिकार है। तत्सुया अपनी एबिलिटी और मैजिक स्किल से जोसेफ को चकित कर देता है और उसे भी फ्लोर पर गिरा देता है। उसे काफी शर्म आती है क्योंकि वो अब 13 साल के बच्चे से हार गए, लेकिन उन्हें ये बात पसंद आई कि तत्सुया ने ग्राम डोमिलाइजेशन का इस्तेमाल किया, जो कि एस रैंक का स्पेल है, जिसके बाद कजामा उन दोनों को तत्सुया का द्वारा इस्तेमाल की गई टेक्निक सीखने के लिए इनवाइट करता है। और सनाडा कहता है कि वो कार्ड भी देख सकते हैं जिन पर वो काम कर रहा है, जिसमें तत्सुया काफी इंटरेस्ट दिखाता है। कुछ दिन बाद मियुकी नोटिस करते कि तत्सुया रात दिन अपने कार्ड पर ही काम कर रहा है, वो भी अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। अचानक एक अलार्म बजता जो एयर रेड की साउंड से निकला है, और अनाउंसमेंट की जाती कि एक पेट्रोल बोट पर मिसाइल्स ने हमला किया, जिससे उनमें आग लग गई। अनाउंसर सभी से अपने घरों में ही रहने को निवेदन करता है। तभी तत्सुया आतर बताता है कि कजामा ने उन्हें बेस में एक शेल्टर ऑफर किया है, और फोन भी बजने लगता है। हनोमी मियाँ को बताते कि उसकी सिस्टर का कॉल आया है। वो अपनी सिस्टर को साथ में बस चलने की सलाह देती है। मियाँ तत्सुया से कहते कि वो कजामा से ट्रांसपोर्टेशन की बात करे। बेस में पहुंचने के बाद जोसेफ उन सभी को एक फैमिली के साथ अपने एक रूम में ले जाता है। जब तक शेल्टर को रहने लायक नहीं बनाया जाता, उन्हें वहीं पर वेट करना होगा। उन्हें कुछ गोलियों की आवाज आती है, तो तत्सुया अपना मैजिक स्पेल यूज करके वहाँ की छानबीन करने शुरू करता है, लेकिन उससे पता चलता है कि वो एरिया शील्डेड है और इसलिए वो बाहर हो रही चीजों को नहीं देख पा रहा। मियाँ तत्सुया को बाहर भेजती है ताकि वो बाहर की खबर ले सके, लेकिन तत्सुया को डर था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे कुछ हो ना जाए। फिर मियुकी की रक्षा कौन करेगा, जिस पर उसकी मॉम उस पर चिल्लाकर पड़ती है, क्योंकि उसने अपनी बहन को नाम लेकर बुलाया। इसलिए तत्सुया को माफी मांगनी पड़ती है। वो ये भी कहते कि तत्सुया को उनके मैटर्स में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, और वो वही करेगा जिस काम के लिए उसे ऑर्डर मिलेगा। जिसके बाद मजबूरन तत्सुया को बाहर आना पड़ता है। वो देखता है कि वहाँ पर बेस के लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं, जिनके साथ कुछ घुसपैठिए भी हैं। एक कंजो नाम का सोल्जर अपने 3 साथियों के साथ अंदर आता है और सभी नागरिकों से वादा करता है कि वो सबको एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा देगा। हनोमी कहती है कि उनका एक साथी अभी बाहर है, तो उसकी मॉम कहते कि तब तक वो दूसरी फैमिली को ले जा सकते हैं। हनोमी को पहली बार लगा कि तत्सुया की मॉम ने आज उसके लिए चिंता जाहिर की, लेकिन फिर उसकी मॉम कहते कि उसे उन लोगों के पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि कुछ होता, जोसेफ आकर किन्जो को पुकारता है, लेकिन उसने तो बिना देखे गोलियां बरसानी शुरू कर दिया, जिसके बाद हनोमी मिया और मिकोनी को बचने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल से एक शील्ड बना लेती है, लेकिन वो घुसपैठिए भी अपने मैजिक स्पेल से उनकी शील्ड को नाकाम कर देते हैं। इसके बाद जोसेफ और किन्जो में बहस शुरू हो जाती है। मियुकी पर सप्रेसिंग मैजिक का असर काफी होता है, इसलिए वो उन्हें फ्रीज करने में कामयाब होती है, जिससे किन्जो काफी गुस्से में आ जाता है और उन तीनों पर गोलियां बरसा देता है। इसी बीच तत्सुया भी वहां आ जाता है और जिस कार्ड पर वो काम कर रहा था, उसके इस्तेमाल से उन सभी दुश्मनों को हरा देता है। जब वो मियुकी की हालत को देखता है कि तो काफी चिंतित हो जाता है। वो उस पर हाथ रखकर उसका नाम पुकारता है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो मर चुकी थी। तभी तत्सुया जोर से चिल्लाता है वो उसे मरने नहीं देगा और एक यूनिक मैजिक स्पेल बोलता है। बेहोशी की हालत में मियुकी खुद को शांत और ठंडी जगह पर पाती है, जहाँ उसे तत्सुया से पुकारने की आवाज आ रही होती है। उसे लगता है कि शायद उसके मरने से तत्सुया परेशान है। उसे ये देखकर रिग्रेट होता है क्योंकि उसने बचपन से उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। वो उससे माफी तो मांगना चाहती, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है। अचानक आसमान में एक जादुई रिंग दिखाई पड़ती है, जो उसे हेल्प करना शुरू करती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है, तो उसे पता चलता है कि ये तत्सुया का मैजिक का असर है। वो काफी शक्तिशाली और शानदार है। जब मियुकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, तो तत्सुया से गले लगा लेती है।
क्योंकि अब वो बिल्कुल सुरक्षित थी। तत्सुया जब सबकी मदद करने की बात करता है तो मियूकी कहती है कि वो उसके पास ही रहे। जब मियूकी अपनी मॉम को गोलियों से छलनी होते देखती है तो उसे अपना काम करने देती है। तत्सुया हानोमी और मिया को भी ठीक कर देता है, लेकिन उसकी मॉम मिया अभी भी बेहोश थी, इसलिए वो डॉक्टर की मदद लेते हैं। कजामा उनसे हमले के लिए माफी मांगता है, लेकिन तत्सुया इसके पीछे का कारण जानना चाहता है। कजामा बताता है कि उनका टारगेट तो दूसरी फैमिली थी, लेकिन दुश्मनों ने किसी को नहीं बख्शा। कजामा बताता है कि दुश्मन पानी के नीचे से कंट्रोल करते हैं। सिचुएशन को समझते हुए तत्सुया उनसे अपनी फैमिली के लिए सबसे सुरक्षित शेल्टर की मांग करता है और उन्हें कुछ हथियार भी दिए जाएं। कजामा के पूछने पर तत्सुया बताता है कि वो अपनी बहन को मारने का बदला उनसे जरूर लेगा, लेकिन कजामा कहता है कि वो आम नागरिकों को हथियार प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो चाहते हैं कि दुश्मन सरेंडर कर दें। तत्सुया की आंखों से पता चल रहा है कि वो दुश्मनों को सरेंडर करने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। कजामा तत्सुया के साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। जब वो जा रहा होता है तो मियूकी उसे रोकने की कोशिश करती है। तत्सुया कहता है कि उसे उनसे बदला लेना होगा क्योंकि उन्होंने उसकी सबसे प्यारी चीज को चोट पहुंचाई है। तत्सुया कहता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, और वो मियूकी से वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा क्योंकि उसके पास जो पावर है उनकी मदद से वो किसी को भी हरा सकता है। कुछ देर बाद उनकी फैमिली तत्सुया और मिलिट्री को दुश्मनों से लड़ते हुए देखते हैं। हानोमी कहती है कि लड़ाई एक बुरे सपने की तरह है। तत्सुया अपने मैजिक से दुश्मनों को मजा चखा रहा होता है। दुश्मनों की हालत ये देखकर खराब होती जा रही है कि जब उसके साथी मरते जाते हैं तो उनको रिवाइव भी कर देता है। मियूकी अपनी मदर से पूछते कि तत्सुया ने जो कहा था उसका मतलब क्या है। पहले तो उसे ब्रदर बुलाने के लिए डांटती है, फिर बाद में बताते कि तत्सुया एक डिफेक्टिव जादूगर के रूप में पैदा हुआ था। उसके लिए असली जादू अपना ही अलग तरह का रूप है जिससे उसे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन तत्सुया एक बड़ी इन्फॉर्मेशन को याद और उसे मिटा भी सकता है क्योंकि उसकी खूबी है, और यही रीजन है कि जो उसे बदला लेने और अपनी फैमिली को खत्म करने से रोकता है। उसकी मॉम ने पहले भी कई बार उस पर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिससे कि उसकी मैजिक इन्फॉर्मेशन को बदला जा सके और वो अपने सारे इमोशंस भी खो दे। क्योंकि वो सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे, इसलिए उसकी मॉम ने उसे डिफेक्टिव पावर का इस्तेमाल करके मियूकी की रक्षा के लिए किया। और ये सब सुनके मियूकी रोने लगती है और कहने लगती है कि तत्सुया के एहसानों का बदला कैसे चुकाएगी। जब लड़ाई खत्म होने वाली होती है तो दुश्मनों की 6 शिप अलग होकर गायब हो जाती है। सोल्जर उन्हें ढूंढकर उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस कमांडर उनसे मना करता है क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि सिर्फ सनाडा, तत्सुया और कजामा उनसे अभी पीछे थे। उसने एक ह्यूज स्नाइपर कैट पकड़ी हुई थी जो उसने खुद ही डेवलप की है। कैट को नोटिस करने के बाद हानोमी तत्सुया को सपोर्ट करने की परमिशन मांगती है, जिसपे उसकी मॉम राजी हो जाती है क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि तत्सुया का प्लान क्या है। जब हानोमी आती है तो अपनी शील्ड एक्टिवेट करती है जिससे वो दुश्मनों को अटैक को रोक सके और तत्सुया उन पर बिना चिंता के अटैक कर पाए। इसी बीच तत्सुया को टाइम मिल जाता है और अपने मैजिक स्पेल मटेरियल का एक्टिवेट करता है जिससे एक भयंकर सुनामी आ जाती है और जिसमें सारे दुश्मन बह जाते हैं। वापस आकर तत्सुया देखता है कि हानोमी मरने ही वाली थी क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति उसे शील्ड में लगा दी थी। मरने से पहले वो बताती कि वो अपनी ड्यूटी को निभाने का एक मौका ढूंढ रही थी जिससे वो एक इंसान की तरह इस दुनिया से जा सके, ना कि एक मशीन की तरह। उसने ये सब तत्सुया को एक लेसन देने के लिए कहा था, जिसके बाद अपनी बॉडी को छोड़ देती है। इस तरीके से एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।